के पास जाते थे और लोग ये कहा करते थे कि आप आंखें बंद करें, हम आपका तवीज निकालते हैं या जादू को चला देते हैं। और ये दूसरी तरफ आप देखें, ये खातून, इसके मुंह से ये कितनी बड़ी छुरी आपको नजर आ रही होगी। अभी दम नहीं हुआ, दूसरे दम की तैयारी हो रही है। दूसरे दम के लिए बादशाह सरकार जो ही हाल में तशरीफ लाए और अभी बैठे हैं, तो इस तरफ ये बाबा जी अपनी बेटी को कराची से लेकर आए हैं, जो अरसे 10 साल से मर्ज में मुब्तला थी, आज उसकी मर्ज निकली, आपको पता चला, आपने देखी। और इस तरफ से ये खातून है, इसके मुंह से आप इस छुरी को देखें कि कितनी लंबी छुरी है जो अभी निकल रही है। आप लोग सामने तो नहीं दे सकते, लेकिन स्क्रीन पे ये कैमरा आपको दिखा सकता है कि दोनों तरफ, एक कराची से और दूसरा ये बहन पता नहीं कहां से अभी आई है। आप इन दोनों को देखें, एक के मुंह से जादू जो था वो भी निकला, तो उसके पांव के आगे पड़ा हुआ है यहाँ नीचे। और इस तरफ जो लोग कहते हैं कि काला इलम हो गया, जादू हो गया, वो पता नहीं कैसे निकलेगा, इसका कैसे काट करेंगे, रूहानी ऑपरेशन के जरिए करेंगे। कोई काट नहीं है, कोई रूहानी ऑपरेशन नहीं है, बस दोस्तों अल्लाह के वली की निगाह की जरूरत है। जिसके दम में ये दम हो तो वो फिर वक्त नहीं लगाता, वो महीने नहीं लगाता, वो एक निगाह करता है, ना मर्ज का पूछता है, ना पता पूछता है, ना नाम लिखता है। अल्लाह वाला जिधर जिधर निगाह करता है उधर ही उधर मेरा रब शफा और करम और मेहरबानी फरमा देता है। अभी ये जो बाएं तरफ खातून आई है, आप लोग देख रहे हैं, ये भी अभी आई है, इससे दम नहीं हुआ। तो आप कितने लोग हैं, चलो एक बंदा हो, दो हो, तीन हो, चार लोग हो, अकेले कमरे की बात हो तो इसमें शक हो सकता है कि तीन चार लोगों का प्लेन था। 10 लोग हो तो अभी तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों लोग यहाँ पे खड़े हैं, जो अपनी सार की आंखों से ये दोनों मरीजों को देख रहे हैं कि बाबा जी की बेटी के मुंह से भी जादू निकल